विकास पुरुष आणि चिरनेटचे राजकारणातील श्रीकृष्ण सन्माननीय राजेश्वर खारपडे साहेबांचं फटाक्यांच्या आतषबाजीने स्वागत झालंय. मनापासून आम्ही त्यांचा तिरंगा नाईटच्या वतीनं हृदयाच्या अंतकरणानं आभार मानतोय. रेखा घरत मॅडम यांच्या शुभ हस्ते गणेश पूजन, निर्मलाजी पाटील मॅडम यांच्या शुभ हस्ते गणेश पूजन. ओटो आम्ही सर. यस बिलकुल राजेंद्रजी, इस बार देखा जाए हमारे सन्माननीय अतिथि राजा शेठ खारपाटी साहब इनका पर, और उनके साइड में जय वीरू है, तो नो टेंशन. इस बार देखा जाए महेंद्र दादा और हमारे इस बार देखा अलंकर दादा रन बन चुके. इस बार देखा जाए यहाँ तो 17 रन बन चुके, और सम्मान्य श्री सतीश जी गावंड सर और श्री रमाकांत मोकल सर एक दोनों अच्छे एंकर है कमेंटेटर, उनके तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बोरकार टीम के लिए. थर्ड अंपायर, यस तीसरे अंपायर की मांग हुई है. अंपायर वो अंपायर कहा जाएंगे. यस तीसरा अंपायर बोले तो कमेटी का चाहिए, इन लोगों की हिम्मत नहीं हो सकती तीसरा रहने की. मुझे मालूम है ना, रन बन चुके 17-17 रन, लॉस ऑफ वन विकेट. इस बार गणेश जी पाटिल गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए इस बार कोठे का ये पहला और पारी का इस बीच दूसरा. तीसरे अंपायर राजेंद्र भगत जी आप पहुंच चुके हैं मैदान के अंदर, वो कुछ बातचीत करेंगे, बॉलर को सूचना भी देंगे क्योंकि वो महत्वपूर्ण है. शांत वातावरण में ये टूर्नामेंट का टूर्नामेंट की चौथी रात. यस हमारे अंपायर पहुंच चुके हैं राणा जी. सुरुवातीला ही तीन लोक होती, आता 100 करोड़ मागे टाकतील, एवढे पंच झाले आतमध्ये. इस साल इन लोगों की कमाई बहुत है. 17 हो चुका है, लेकिन थर्ड अंपायर की मांग, थोड़ा सा गणेश के ऊपर शक आया है, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज जो खेल रहे तेजे टाकी जो व्यक्तिगत सात पे खेल रहे, एक बाउंड्री एक सिंगल एक डबल के साथ, गणेश पाटिल की दूसरी बॉल राइट अमोर्ड विकेट. बहुत ही इस बार देखा पुला निकला ना उनका, फंस गया तो फंस गया 100%. और इसी के साथ देखा जाए यहाँ वापस आ रहे तेजे जाके सात रन बना पे दूसरा झटका और कार टीम को दीजिए. आणि अत्याचाराच्या विरोधात जर शुभाची तलवार रणामध्ये चमकलीच नसती तर या भारतामध्ये हा महाराष्ट्र तुम्हा आम्हाला कधीच दिसला नसता. तर राजाला तिवार तिवार कोटी होऊन प्रणाम करूया तिरंगा ट्रॉफीच्या वतीनं. स्कोर पॉइंट चे काय 17 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे. आरंभिक जो सलामी बल्लेबाज थे गौधी बोरखार के वो ड्रेसिंग रूम में आ चुके हैं. अभी चिन्ह मैंने कह दिया ना कि पहले ओवर में हथनोलकर के ओवर में अटैक किया था इस बार गाउदी बोरखार के बल्लेबाजों ने, क्योंकि वो पहला मैंडेटरी पावर पर था. उसके बाद नारंगी कर आए गेंदबाजी करने के लिए, उन्होंने 3 रन खर्च किए, 1 सफलता हासिल किया. और उसके बाद गणेश जी पाटिल है जिन्होंने 2 गेंदे फेंकी, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर. स्कोर रुका हुआ है 17-2 विकेट के नुकसान पे बोरखार. इस बार यहां देखिए और अपील बोल्ड हो चुकी है क्या, यस क्लीन बॉल, कितनी घातक बॉल थी देखिए, मानो जाकर के इन विकेटों के ऊपर टकरा गई. और इसी के साथ लगभग देखा जाए तो विकेट नंबर 3 ड्रेसिंग रूम में परिस्थिति बोरखार की डाउन. महागणपती तिरनेट संघाचा गोलंदाज गणेश, यासाठी संघाचे संघमालक विद्यमान जेजापर सदस्य बाजीराव परदेस साहेबांकडनं जर विकेट घेतला हॅट्रिक घेतली तर 1000 रुपयाचे पारितोषिक. 32 संघांमधनं सर्वात अगोदर एंट्री फी जर कोणाची आली असेल तर 5 दिवस अगोदर ती महागणपती तिरनेट संघाचे संघमालक बाजीराव परदेस यांच्याकडनं. मनापासून आम्ही त्यांचा आभार अमित जी. या 17 रन इस बीच 3 विकेट के नुकसान पे गावदी बोरखार, और गावदी बोरखार और महागणपती चिरनेर टीम को
एक बेहतरीन एंकर और एक हमारे सीनियर कमेंटेटर हमारे बड़े भाई आदरणीय सुनील जी वर्तक साहब, उनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं है। तो सुनील जी वर्तक साहब को विनती है, अगर घर में है तो कृपा करके तुरंत चिन्हन में आइए, आपके पास टाइम है तो, अगर नहीं है तो आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अगली बॉल पंच किया गेंद को हल्के हाथों से मान्यवर आगमन होता है। ज्या व्यक्तिमत्वाने आम्हाला संपूर्ण या स्पर्धेमध्ये लागणाऱ्या मॅन ऑफ द मॅचच्या सर्व ट्रॉफ्या ज्या व्यक्तिमत्वाने दिलं ते महाराष्ट्र केकचे मालक आणि उत्तम अष्टपैलू क्रिकेटपटू स्वप्नील म्हात्रे यांचं शुभ आगमन झालंय। मनापासून आम्ही त्यांचं स्वागत करतोय। लोकशाहीचा चौथा स्तंभ पत्रकार नंदकुमार तांडेल यांनाही विनंती करतो की आपणही मंच कोर येण्याची कृपा करायची आहे। अमितजी या 17 रन 3 विकेटचे नुकसान पे बोल दंडास्त व्यस्त। इस बार घातक गेंदबाजी चल रहे महागणपति चिरनेर के गेंदबाज गणेश द्वारा, इस बार गौदी बोरकर बैकफुट पर जा रही है। हजार रुपये पारितोषिक लागू बाजीराव परदेशांच्याकडनं। अमित जी या झोली भरगे गणेश की कमांड जी। तो इसी बीच यहां विकेट चार गए। पहले ओवर में बोरकर की शुरुआत कितनी तगड़ी थी और उसके बाद महागणपति चिरनेर के गेंदबाजों ने कह दिया कि आप गेंदबाजी का अटैक और तेज रफ्तार के साथ हमारी गेंदबाजी जबरदस्त होगी। वो गणेश ने क्या गेंदबाजी की है, इस ओवर में बोरकर की कमर तोड़ की है। अपने सर जमीन पे इस बार देखा जाए, यहाँ महागणपति चिरनेर टीम खेल रही है, रात काली है उसमें उजाला चमक रहा है और तमाम इस बार देखा जाए जो दर्शक मौजूद है उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं तिरंगा ट्रॉफी चिरनेर में। ये शानदार जानदार वजनदार 24 कैरेट का असली आयोजन नियोजन। एक रन देके मेरे हिसाब से उन्होंने दो सफलता हासिल किया है। क्या घातक गेंदबाजी चल रही गणेश की, और गणेश की जबरदस्त गेंदबाजी देखिए, पूरी तरह से बोरकर को उन्होंने बैकफुट पर धकेल दिया है और पूरी तरह से जो रफ्तार है वो गति है जो नियंत्रण इस बार जगह गेंदबाजी में वो काफी बढ़िया डिसिप्लिन देखने को मिल चुका है। इस ओवर की मेरे हिसाब से आखिरी गेंद शेष। साई भक्त राजेश ढुंगीकर और रंजित पाटिल यांच्याकडनं चिरनेर टीम ला मनपूर्वक शुभेच्छा। 17 स्कोर। इस बार ऑन साइड के ऊपर खेला हुआ शॉट, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई, मिड स्टंप के ऊपर गेंद थी, एक रन सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ यह देखा जाए स्कोर पहुंचा है गाउदी बोरकर 18। इसी के साथ ये तीन ओवर खत्म हो चुके, तीन ओवर के समाप्ति के बाद गाउदी बोरकर टीम का स्कोर है 18। मेरे हिसाब से देखा जाए तो